नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव गोगो पे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, हमने ये वीडियो शूट की है 8th of May को। तो दिखाता हूँ आज हम क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम अपने स्टूडियो की रेनोवेशन कर रहे हैं, जिसमें हम अपने स्टूडियो के अंदर लगा रहे फोम। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने सामान बिखेरा हुआ है। ये है मेरे कजन एनी गोछवाल, स्माइल प्लीज। और आपको पता है, यकीन नहीं होगा, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, 8th of May 11 बजे होंगे रात के, और हमने एक साइड से तो इसको लगा दिया है। आप देख सकते हैं हमारे भाई साहब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आप स्टूडियो की हालत देख लीजिए कैसे हो रखी है, कैसे सामान बिखरा हुआ है। ये आप देख लीजिए, ये आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको किस तरीके से चिपकाया अपने फॉर्म को। देखिए, हमने इसमें एक अपना मिस्टीरियस केमिकल मिलाया, उसका कलर आप देख सकते हैं। उसके साथ हमने उसमें फेविकोल मिलाई है विद वाटर, उसके बाद ये फॉर्म चिपक पाई है। ये आपको टेक्निक कहीं पे नहीं मिलेगी, ये मिलेगी सिर्फ क्रिएटिव गोगो यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, केमिकल और बनाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों किस तरीके से कर रखा है, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं हम। लाइक कर देना अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो। देखो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से चिपकाया हमने इसको। ये लगाया और ये किया टैप। एनी साइड में हो ना, सब्सक्राइबर्स को दिखाते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं, अपने भाइयों को दिखाते हैं कि किस तरीके से इंस्टेंटली चिपक जाती है। साइड में हो जाओ, एक मिनट। ये देखो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से चिपक गई है, ये कितनी मजबूत है। हालांकि फोम पुरानी है लेकिन साउंड प्रूफिंग के लिए इनफ है, ये बहुत ही उपयोगी है भाई, हमें बहुत सस्ते में मिल गई है। बजट फोम बताओ तो सर, कहां से लेके आया? अरे सर कभी बताएंगे, उसको भी बता देंगे, कभी रिवील करेंगे डायरेक्ट। बिल्कुल जेन्युइन चीजें दिखाएंगे, फेक नहीं दिखाएंगे, बहुत मेहनत लगी है। चलो मैं आपको अपना फेस दिखा देता हूँ एक बार और। दोस्तों लाइक कर देना दोनों भाइयों के लिए, एक एक लाइक कर देना, दो बार मत दबाना, वो डिसलाइक हो जाता है वो। एक बार कर देना और एक भाई के लिए कमेंट में बता देना, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। मिलते हैं आपको इसी के साथ स्टूडियो टूर के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद। सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। दोस्तों कैसे हो आप सब? अब मैंने सोचा कि आपको एक बार सुबह का भी नज़ारा दिखाए कि सुबह के टाइम पे स्टूडियो के बाहर और अंदर का क्या माहौल होता है। आप देख सकते हैं कि ये दीवार कितनी गंदी हो रखी है, हम इसकी भी घिसाई करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी घिसाई कर दी है लेकिन अब इसको करूँगा। यहाँ पे एनी लगा हुआ है देखो, तो मैंने सोचा एक बार थोड़ी सी फुटेज ले ली जाए, इसकी आगे काम आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टूडियो अंदर से एक बार हल्की सी झलक, आप देख सकते हैं। आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, आपको अगर आवाज सुन रही है तो बाहर देखिए कितना शोर है। अब मैं जाता हूँ अंदर, आप सुन सकते हैं कितना कम शोर है यहाँ पे, बिल्कुल शांति, आवाज भी नहीं गूंज रही। तो देखिए अब आपको दिखाते प्यारे प्यारे हाइपरलैप सफाई करते टाइम के, आप मजा लीजिए वीडियो का। भाइयों मेहनत पूरी जोरों शोरों पे चल रही है, आप देख सकते हो किस तरीके से पसीने में तर हो रखे हैं भाई, कितना पसीना रखा है। और आपको दिखा देता हूँ ये वाली दीवार हमने पूरी घिस दी है, अब इस साइड लगे हुए हैं हम इस पे। तो दिखाता हूँ आपको एक और हाइपरलैप्स, वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर देना अगर मेहनत देख के अगर लगे कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं सच में, तो प्लीज़ लाइक कर देना। हेलो गाइस, रेनोवेशन हो चुकी है कंप्लीट, अब मैं करता हूँ रिवील। चलिए आपको दिखाता हूँ, अब ये आप देख सकते हैं, इट्स रिवील टाइम।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये कैसा लगा। आप देख सकते हैं ये मेरे भाई, मेरे कैमरामैन एनी गोछवाल। हाय। लाइक कर देना इसकी मेहनत के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, अब मैं आपको स्टूडियो अंदर से दिखाता हूँ। ये हमारी चारपाई, सो जाते हम इस पे कभी कभी। ये हमने जो फोम लगा रखी थी वो, ये हमारे पर्दे आप देख सकते हैं, रिंग लाइट, ट्राईपोड, एक लाइट ये रही, और हमारा सारा सामान है इस ग्रीन स्क्रीन के पीछे, आप देख भी सकते हैं। मैं आपको स्टूडियो एक बार और दिखाता हूं बाहर से। आप देखिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं YouTube से कितना कमाता हूँ, मेरी इनकम क्या है। तो भाई जिस टाइम पे मैंने वीडियो शूट की थी, जो कि हमने रेनोवेशन स्टार्ट की थी 8th of May को, उस टाइम पे, और आज हो रखी भाई 11th of May। मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर दिख जाए तो स्क्रीन पे भाई देख लीजिए, 11 मई को हमने इसको कंप्लीट किया है रेनोवेशन को। और भाई ये जितना भी खर्चा लगा ना भाई, मैंने अपनी पॉकेट से लगाया है। मैं जैसे जॉब भी करता हूँ तो मैंने पर मंथ अपनी भाई सेविंग्स की थी कि मेरे को इतना पैसा स्टूडियो पे लगाना है, इतना पैसा यूट्यूब चैनल पे लगाना है। तो भाई जितना भी आपने देखा है ना सब कुछ, ये भाई मैंने अपने पैसों से किया है। भाई अगर मेहनत अच्छी लगे ना, अगर लगे कि भाई हम मेहनत कर रहे, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे जो जाली है भाई, हम ये खुद लेके आए थे, देख सकते हो इसकी हमने सिलाई भी खुद ही की है, और ये पेड़ वगैरह भाई मैं पहले से लेके आ रखे थे मैंने, ये वाले आप देख भी सकते हो। और भाई रही इस चटाई की बात, तो भाई हमारे पास घर पर रखी थी पहले से ही, तो हमने इसको यहाँ पर अपना रीयूज़ कर लिया, हमने कुछ भी बर्बाद नहीं किया है। आप देख सकते हैं भाई हमारे भाई साहब कितनी मेहनत से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत मेहनत की है। थैंक यू एनी, थैंक यू। लाइक कर देना दोस्तों, बोलोगे आप कुछ, आपको मेहनत करके कैसा लगा वो वीडियो में दिख जाएगा। अरे और कुछ बोलो, हमारे भाइयों के लिए बोलो कुछ, और हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, वीडियो लाइक कर दे, सब्सक्राइब करे। ये वैसे हमारे भाई साहब कैमरामैन भी हैं, जितना भी आप फुटेज देखते हो, ये हमारे एनी गोछवाल भाई साहब कुछ शूट करते हैं। क्वालिटी वगैरह में कुछ इशू हो तो बताना मुझे, मैं अपने कमेंट पे बता देना, मैं इसको पार्सल कर दूंगा। हालांकि कमेंट बॉक्स चेक करता रहता है, तो फिर देख लेंगे कैसे क्या होगा। दोस्तों अब चलते स्टूडियो के अंदर, मैं आपको कुछ डिटेल्स बताता हूँ कि हमने कैसे क्या परचेज किया, कहाँ से परचेज किया। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये फॉर्म हमने कहाँ से लिए, भाई हम इसको ले गए हैं कबाड़े वाले से, जो कि हमें पड़ी है 40 रुपीज़ केजी के हिसाब से। आप देख सकते हैं भाई इसमें क्रैक भी, ब्रांड न्यू नहीं है ये, हमने कबाड़े वाले से लिया है इसको। ये वाली आप देख सकते हैं, ये वाली फॉर्म कितनी मोटी है, ये वाली कितनी पतली है, बट इसने हमारा काम कर दिया है, जो कि आवाज़ है, साउंड प्रूफिंग है ये भाई, बहुत हद तक इसने कम्प्लीट कर दिया उस चीज़ को। आप यहाँ पर भी पीस देख सकते हो भाई, हमने कटिंग वगैरह बहुत कम की है, जैसे पीस थे हमने वैसे लगा दिए, आप देख लीजिए ये भाई, और पुराने ही पीस है। और इधर देखिए भाई, हमने स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज किया है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये जितना भी सामान है ना भाई, ये आफ्टर मार्केट परचेस किया हमने, कुछ भी ब्रांड न्यू नहीं है, हमने सब कुछ कबाड़े वालों से या फिर जो सेकंड हैंड, जैसे ओएलएक्स हो गया, यहाँ से परचेस किया सब कुछ। हालांकि ये कैची भी भाई हमने सेकंड हैंड परचेस की है, मार्केट से ब्रांड न्यू परचेस नहीं की हमने। और अब बताता हूँ आपको रिंग लाइट के बारे में और ट्राइपॉड्स के बारे में। भाई ये भी ब्रांड न्यू नहीं है, ये भी हमने सेकंड हैंड मार्केट से परचेस किए हैं। भाई रिंग लाइट की आप कंडीशन देख सकते हो, ये मैंने इसको किस तरीके से जुगाड़ करके रोका हुआ है, ये भी न्यू नहीं है, बट इसकी कंडीशन अच्छी थी तो मैंने परचेज कर लिया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा स्टूडियो टूर, बिफोर और आफ्टर का जो डिफरेंस था आपने देख ही लिया होगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या काम किया है।
और मैं आपको कुछ चीज और बता देता हूँ भाई, जो हम वीडियो शूट करते हैं ना भाई, हम दो फोन्स का यूज करते हैं। एक है आईफोन 7 जो कि सेकंड हैंड मार्केट से हमने परचेस किया था, और जो हमारा प्राइमरी कैमरा है जो कि प्राइमरी डिवाइस है भाई, वो है आईफोन 12। ये भाई मैंने EMI पे लिया था, स्पेशल मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियो के लिए लिया था। और मैं आपको बैटरी हेल्थ का इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा मैंने इसको कितना इस्तेमाल किया, मैं कितना यूज़ में लेता हूँ इस फ़ोन को। और हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या एक्सपेरिमेंट देखने, आपको हमारा स्टूडियो टूर कैसा लगा। आप जितना सपोर्ट करोगे ना, आपके लिए उतनी ही मज़ेदार चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको इसी के साथ किसी नई वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।